वेलकम टू माई चैनल प्रीत म्यूज़िक। सो आज मैं आपके सामने अपनी पहली फेस कैम वीडियो लेके आ रहा हूँ। सो गलतियाँ माफ़, पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ मैं। सो आज हम एक सॉन्ग की डिकन्स्ट्रक्शन करेंगे। मेरा ही सॉन्ग है, पंजाबी सॉन्ग। मैंने अभी पिछले हफ्ते सैटरडे को डाला था एक चैनल पे, अपना ही चैनल है वो भी। सो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूँगा। सो पहले तो जाइए उसे सुनिए, उसको सुन के वापस आइए, फिर हम अपनी चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि हमने कैसे वो सॉन्ग बनाया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आ चुके हैं हम अपनी स्क्रीन पे, ये है हमारा पूरा प्रोजेक्ट। सो पहले तो बात करता हूँ भी ये कैसे बनाया था हमने। एक्चुअली इसकी कहानी ये है कि मैंने बस बीट बनाई थी। मैं यूँ ही कभी कभी बैठा बैठा बीटें बनाता रहता हूँ, तो मैंने बीट बनाई थी। तो मेरा रूममेट है, वो भी साथ में ही हमारे रहते हैं, तो उनको ये बीट सुन के उनके माइंड में कुछ आ रहा था, लाइन्स आ रही थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इस पर कुछ बन रहा है तो मैं ट्राई करता हूँ। तो मैंने कहा हाँ भाई ट्राई कर लो, अगर कुछ बनता है तो हम देखेंगे बाद में। सो ये बीट पे गाना ऐसे बना था, पहले लिरिक्स नहीं थे मेरे पास, मैंने जस्ट बीट बनाई थी। सो वोकल आपने मेरी सुनी ही ली है पहले ही, तो वोकल की मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। क्या क्या इफेक्ट लगाए हैं, क्या क्या कैसे कुछ जो भी वोकल पे मैंने किया है, वो फिर किसी ट्यूटोरियल में आपको मैं आपके साथ मैं डिस्कशन करूँगा उसकी। सो अभी हम देखते हैं अपना स्ट्रक्चर बीट पे जो हमने काम किया है वो हमने कैसे बनाया। सबसे पहले हमारी है इंट्रो। इंट्रो पार्ट में हमने ये चीज़ें डाली हैं, तो मेन चीज़ है वो है वोकल चॉप्स। एक्चुअली ये चीज़, ये एक कॉन्टैक्ट की लाइब्रेरी है मेरे पास एक्सेल करके, उसमें से मैंने ये सिलेक्ट की थी साउंड्स। काफ़ी मतलब मस्त लाइब्रेरी है, तो जाके आप चेक करिएगा अगर आपको कहीं से मिलती है तो। ये चॉप्स हैं, तो ये चॉप्स हैं। मैंने इसमें ऑटोमेशन लगा रखी है वॉल्यूम की थोड़ी सी। तो उसके बाद आती है हमारा कॉर्ड प्रोग्रेशन, सिंपल सा कॉर्ड प्रोग्रेशन है। नेक्सस की साउंड मैंने यूज़ कर रखी है इसमें, आई थिंक या म्यूटेड गिटार्स टू, काफ़ी सॉन्ग्स में यूज़ करता हूँ मैं, मेरी फेवरेट साउंड है, मतलब वन ऑफ द फेवरेट। इसके बाद हमारी कॉर्ड्स हैं, सिंपल कॉर्ड्स। कॉर्ड्स के ऊपर हमारा प्रोग्रेशन था, थोड़ी स्ट्रमिंग कर रखी है, मतलब स्ट्रमिंग टाइप कॉर्ड्स को जा रखी है मैंने, जे वॉल्यूम की ऑटोमेशन लगा लग, नीचे वॉल्यूम्स की एडजस्टमेंट करके वेलोसिटी की, ताकि थोड़ी नेचुरल फील लगे। उसके बाद हमारा है पैड। पैड मैंने यूज़ किया है साइट्रस से एक पैड यूज़ किया है, काफ़ी पैड्स हैं उसमें, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके नीचे हमारे हैं सम इफेक्ट्स, कुछ इफेक्ट्स लगा रखे हैं मैंने, जैसे कि ये रोमांटिक सॉन्ग हो या सैड सॉन्ग हो या बीट सॉन्ग हो, सब में ये चलता है। उसके बाद स्वीप डाउन है, ओके, एंड देन एक रिवर्स सिंथ है। इसमें रिवर्ब की मैंने ऑटोमेशन लगा रखी है, जब ये ख़त्म हो जाए तो मतलब उसकी रिवर्ब आती रहे, थोड़ी फील आती रहे। तो ये हमारी स्टार्टिंग यहाँ से हो जाती है गाने की, यहाँ से हमारे वोकल स्टार्ट हो जाते हैं। वोकल स्टार्ट हो जाते हैं तो उसमें हमने क्या ऐड किया है, कुछ ऐड ऑन करना पड़ता है कि वोकल आए। सबसे पहले तो हमने वोकल, जब एंट्री होती है वोकल की, तो उसमें हमने ये ऐड किया है, एक रिदम सी ऐड कर रखी है नॉर्मल सी, इसमें रिम है, स्नेर है अपनी सिंपल, एंड शेकर है, ये ऐड किया है। एंड जो हमने चॉप्स स्टार्टिंग में लगाए थे उसी को मैंने काट काट के थोड़ा लाइंस के एंड में लगा रखा है। और इसको सुनिए वोकल के साथ, तो आपको पता लगेगा कि कितनी अच्छी फील आती है। राती सुपना सी आया गोरिये, मैं खपी सी ते बैठाया होया सी, थोड़ा बराबर लगे कि वहाँ पर जो है पार्ट में वोकल हमारी एक हिसाब से बंद हो जाती है यहाँ पर, ये पार्ट और ये मैं खपी, तो उसके लिए ये लगा रखी है चॉप्स। उसके नीचे हमारी है ये चीज स्ट्रमिंग, सिंपल डाउन स्ट्रोक गिटार का, ये एक्चुअली लाइव नहीं है, मेरे पास एक लाइब्रेरी है कॉन्टैक्ट की, इसका नाम है स्ट्रम्ड अकाउस्टिक, तो उसमें से ये मैंने प्ले किया है। सिंपल अपने बेस नोट्स जो हैं गिटार के, जो कॉर्ड्स के
जो कॉर्ड्स के जो नोट है अपने बेस नोट उन्हीं पे उन्हीं की स्ट्रमिंग है सिंपल, ठीक है। तो उसके बाद एड ऑन है हमने इसमें बेस, गिटार बेस ऐड किया जब सॉन्ग की सेकंड लाइन स्टार्ट हो जाती है, वहाँ से हमने बेस की एंट्री कर दी है। अब सुनिए, बेस मैंने यूज़ किया है ई बेस 3 टेक्सस से, इसमें कर रखा है लेगेटो स्लाइड ताकि हम स्लाइड कर सकें ऑन। तो ये हमारी एंट्री हो जाती है इसकी बेस की। एंड जब आती है हमारी क्रॉस लाइन, क्रॉस लाइन में हमने बीट का पैटर्न चेंज किया है, हमने प्रॉपर मतलब बीट भी इसमें किक भी ऐड कर दिया, हाई हैट भी ऐड कर दिया, क्लैप भी ऐड कर दिया। तो ये पैटर्न हमने क्रॉस लाइन में यूज़ किया है बिना रिम के, यहाँ से हमने रिम डाल दिए और यहाँ से हमारे नीचे इफेक्ट्स लगे हुए हैं, राइजर आ जाता है। एंड देन हमारी आती है हुक लाइन। हुक लाइन में सबसे पहली चीज़ है, हुक लाइन में मैंने वोकल में एक तो मेन हमारी वोकल चल रही है, एक हमने रखी है पिच डाउन करके मॉन्स्टर वोकल, उसकी वॉल्यूम बिल्कुल ही बैक पे है, ये आप सुन सकते हैं, थोड़ी फील करिए कि वोकल थोड़ी भारी भारी लगे। एक हमने करी हुई है यहाँ पर आई थिंक लेफ्ट या लेफ्ट, और एक करी हुई है हमने राइट, लेफ्ट एंड राइट। मेरी ये तमन्ना गोरी है, तो ये हमारी वोकल है, हुक में हमारी वोकल ऐसे चल रही है, ठीक है। और जब हमारी हुक आ जाती है तो इसमें हमने ऐड ऑन क्या किया है, जो हमारी बीट पैटर्न है, जो हमारा मेन बीट चल रहा है, उस पर हमने किक, स्नेयर, रिम्स, कबासा, शेकर, क्लैप सब कुछ ऐड कर दिया है। इसका पैटर्न जो है वो ये है, के बाद हमने 808 ऐड किया है अपनी, 808 के साथ ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है कि भाई बेस तो जरूरी है, बेस के बिना गड्डी में शीशे निकालते, ठीक है। ये है 808 का पैटर्न कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं इसमें मैंने टुन 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 ये चीज। तो ये आ जाता है हमारी 808। इसके बाद हमने हुक में जो ऐड ऑन किया है वो हमारी है चीज़ें, एक तो ये स्ट्रमिंग पैटर्न हमने चेंज किया है, स्ट्रमिंग पैटर्न पहले चल रहा था सिंपल डाउन स्ट्रोक और अब चल रहा है ये वाला, ये हमने सिंपल कॉर्ड्स के ऊपर ही बेस्ड है। उसके बाद एक चीज़ है ये वाली, ये सिंपल मेलोडी है जस्ट पीछे रखी हुई है बैकिंग के लिए, थोड़ा भरने के लिए सॉन्ग को। और एक है हमारा ये प्लक, प्लक कह लो या बेल, बेल की साउंड, बेल टाइप साउंड है, ये हमने यूज़ किया है अपनी नेक्सस से प्लकिंग सिन 3, जो मेरी हमारी जो मेन हुक लाइन है उसके साथ साथ चल रही है, तो फील थोड़ा आ जाता है उसके लिए अच्छा। तो ये हमारी हुक लाइन का सारा स्ट्रक्चर हो गया, नीचे वही इफेक्ट्स हमारे लगे हुए हैं पुराने वाले उस। और हुक के बाद हमारा आता है एक फिलर म्यूज़िक पार्ट, यहाँ पे बस म्यूज़िक चल रहा है और म्यूज़िक क्या चल रहा है, ट्रम्पेट, जिसमें हमने ट्रम्पेट डाल रखी है, एक ट्रम्पेट जो है ये बज रही है ट्रम्पेट। मेरे पास एक लाइब्रेरी है कॉन्टैक्ट की, तो वो मैंने यूज़ किया है, मैं ट्रम्पेट उसी में से यूज़ करता हूँ, क्यूबा करके लाइब्रेरी है या तो ट्रम्पेट में, तो क्या बात है, क्या साउंड है। बीट हमारी वही चल रही है, एक हमने प्रिकॉशन से ऐड किए हैं यहाँ पर थोड़ी बीट को भरने के लिए, प्रिकॉशन बैक पे चलते हैं, बाकी सारा वही लगा हुआ है जो पहले था। ये पार्ट देखिए यहाँ पर है ना गैप रखा हुआ, बीट पॉज हो जाती है एंड 808 आती है, बस पीछे बैकिंग आती है। उसके बाद आता है हमारा अंतरा, हमारे अंतरे का स्ट्रक्चर क्या है, अंतरे का स्ट्रक्चर है वही सारी चीज़ें सेम चल रही हैं, बीट का पैटर्न 2 लगा हुआ है यहाँ पर, देख सकते हैं आप यहाँ से अंतरा स्टार्ट हो रहा है हमारा। बिना 808 के हमारी नीचे गिटार बेस चल रही है, बस ऊपर सिंपल पैटर्न लगा हुआ है किक का सेकंड वाला, ठीक है। नीचे हमने एक एड ऑन चीज़ की है, वो है ये
ये चीज, इसमें दो चीजें चल रही हैं, एक हमारी बेल्स है और एक हमारा है गिटार। तो अंतरे के साथ साथ अगर आप सुने तो काफी अच्छा लगता है। मट्ठी जी सनो फोन होगी, हाँ मट्ठा मट्ठा जा रोमांस करांगे। तो ये चीज है, बाकी सारी चीजें वही है, सिंपल सी। फिर से स्ट्रमिंग हो जाती है हमारी, स्लो वाली स्ट्रमिंग आ जाती है सिंपल सी पहले, मट्ठी जी सन, एंड आफ्टर दैट पहले लाइन चलती है बिना बेस के, गिटार बेस के साथ। उसके बाद सेकंड लाइन में हमारी आ जाती है 808। लाके बीट कोई प्यारी प्रीत दी, आपा साल सट राय करांगे, ओ जिथे बेंदियां ने। क्रॉस लाइन आ गई है, क्रॉस लाइन में फिर से हमने बेस हटा दी, 808 हटा दी, सिंपल गिटार बेस चल रही है, एंड हमारे राइजर अप आ जाते हैं, एंड देन दी हुक लाइन, सेम हुक लाइन अगेन विद सेम पैटर्न्स एंड ऑल। उसके बाद अंतरा, जो लास्ट वाला अंतरा है उसमें हमने कुछ, जो सेकंड अंतरे में हमने एडिशन की थी लास्ट में, हमने वो नहीं डाली है, लास्ट में सिंपल ही रखा है, सिंपल जो पहले चीजें चल रही थी वही है। ठंडिया हवावा वेला हो शाम दा, अखा जो बे आदी कुट दो, वही जो चॉप्स हमने पहले यूज किए थे उसी को फिर से यूज किया है, एंड देन अगेन 808 आ जाती है, बीट आ जाती है, एंड इफेक्ट्स नीचे लगे हुए हैं, एंड देन क्रॉस लाइन आ जाती है, क्रॉस लाइन में हमारी बीट आ जाती है, एंड बीट से पहले बीट ख़त्म, एंड देन द ड्रॉप कम्स, देन द हुक लाइन कम्स, एंड लास्ट में जो हुक लाइन है उसमें हमने बीट हटा रखी है। ये देखिए यहाँ से जो हुक लाइन है इसमें हमने बीट हटा रखी है, फर्स्ट एंडिंग हमने फिर से चॉप्स के साथ प्रॉपर बीट के साथ सब कुछ डाल के एंडिंग कर रखी है। दिस इज द एंडिंग। रिवर्स सिंथ के साथ रिवर्ब की ऑटोमेशन लगा के हमने एंडिंग कर रखी है सॉन्ग की। तो ये था हमारा पूरा सॉन्ग का स्ट्रक्चर। आई होप आपको पसंद आया हो, थोड़ा बहुत जानकारी मिली हो कि कैसे सॉन्ग बनता है। सो ये तो होगी सॉन्ग की बात। सो जिसको भी थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला है भाई, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, एंड सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर दो यार। और एक और बात यार, मैंने काफ़ी नोट किया है कि चैनल पे लोग आते हैं, उनको टाइटल पे लिखा होता है कि भी फ्री FLP दे रहा है साथ में, तो फ्री FLP लेने आते हैं लोग, स्पेशली देखते हैं स्टार्टिंग, देखते हैं कुछ सेकंड, एंड में जाते हैं प्रॉपर बीट देखते हैं क्या बनाए क्या नहीं, एंड उसके बाद सीधा डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं, FLP डाउनलोड करते हैं और चले जाते हैं। भैया यार क्या यार, ऐसे मत किया करो यार, मेहनत लगती है थोड़ी बहुत, आपको फ्री FLP दे रहा हूँ मैं, तो यार कम से कम वीडियो तो पूरी देख लिया करो, पूरी वीडियो देखा करो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सो और मैं भी साथ में मोटिवेटेड रहता हूँ कि भाई हाँ बंदे मेरी वीडियो पूरी देख रहे हैं। सो डिस्क्रिप्शन पे सॉन्ग का लिंक है, सॉन्ग चेक करिए, वो चैनल भी अपना ही है, तो उसको भी आप सब्सक्राइब करिए। इस नेक्स्ट अगले आज क्या है, टुडेज फ्राइडे, तो कल सैटरडे को एक और सॉन्ग हमने बनाया किसानों के ऊपर, किसान एकता जिंदाबाद, तो वो भी आ रहा है, सुबह 10 बजे आएगा कल, तो स्टे ट्यून ऑन डैट चैनल अफसर रिकॉर्ड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, उसका भी डीकंस्ट्रक्शन वीडियो में जल्दी लेके आऊँगा। सो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।